हम लोगों ने अभी नेक्स्ट डिस्कस करना था हमारा टॉपिक एडीआर और जीडीआर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जीडीआर की। जीडीआर होता क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स नाम से ही पता चल रहा है, जिनको आप लोग ग्लोबली ट्रीट कर सकते हो, ग्लोबली जिनके साथ डीलिंग कर सकते हो। और एडीआर है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। क्योंकि मैं साथ साथ में आपको डिफरेंस करा रही हूँ तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, सिर्फ अमेरिका के साथ ही आप लोग वहां पे जो आपने शेयर्स की जो भी डीलिंग करनी है सिर्फ अमेरिका के साथ हो सकती है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जीडीआर, इट मीन्स ग्लोबल। ग्लोबल किसी एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सिटी कंट्री को डील नहीं कर रहा, ये ग्लोबली कहीं पर भी आप ट्रीट कर सकते हो। अब बात करते हैं व्हेन द लोकल करेंसी शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर्ड टू डिपॉजिटरी बैंक। क्या कहा उन्होंने? जब भी आप लोग जो भी आप लोगों के शेयर्स हैं, ठीक है, आप लोगों के करेंसी की जितने भी शेयर्स हैं आप लोग डिपॉजिटरी बैंक को दे देते हो, ठीक है। डिपॉजिटरी बैंक अब कौन सा? आपके इंडिया वाला। क्योंकि अगर बाहर वाले लोगों की बात करेंगे तो वो अपनी कंट्री के ग्लोबल अपने बैंक की बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है कि जब भी आप लोग शेयर्स जो है कंपनी के वो अपने डिपॉजिटरी बैंक को डिलीवर कर देते हो, ठीक है, भेज देते हो, ट्रांसफर कर देते हो, तो उसके बदले में वो आपको एक ना रिसीट इशू करके देते हैं, ठीक है, विच इश्यूज डिपॉजिटरी रिसीट्स अगेंस्ट शेयर। मैंने अपने शेयर किसको दिए? बैंक को। बैंक ने उसके बदले में मुझे क्या दिया? वो एक रिसीट दे दी। दीज रिसिप्ट डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर आर कॉल्ड जीडीआर। जो ये रिसिप्ट आप लोगों को दी है, ठीक है, उसके बदले में आप लोगों को जीडीआर तो इश्यू हो जाएंगे, ठीक है, पर वो कौन सी डिनोमिनेशन में होंगे? यूएस डॉलर की डिनोमिनेशन में। फीचर क्या है इसके, ध्यान से सुनेगा। जीडीआर कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? मार्केट। कौन सी मार्केट? जहां पे शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं। दोबारा बता रही हूं, आप लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हो, कहां पे करते हो? मार्केट में जाके। अब जहां पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, क्या लिखा है इन्होंने? ट्रेड करना। ट्रेड में तो बाइंग एंड सेलिंग दोनों आती है। तो जहां पे कहते हैं शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है उसको क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक हियर मींस शेयर्स, ठीक है, कि शेयर्स को एक्सचेंज कराना। इतनी बात क्लियर हुई? क्योंकि ये आपने स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट के बारे में आपको इतना नहीं पता, तो मैं डीपली एक चीज करा रही हूँ आपको। सो जीडीआर कैन बी लिस्टेड। लिस्टेड हियर मींस रजिस्टर्ड। सॉरी, जीडीआर जो है वो आप रजिस्टर कराओगे और उसके बाद आप उनमें ट्रेडिंग कर सकते हो, आप खरीद सकते हो, आप बेच सकते हो ऑफ एनी फॉरेन कंट्री अदर देन अमेरिका। समझ में आ गया? क्योंकि अमेरिका के लिए हमने स्पेशल कौन से बनाए हैं? एडीआर। सो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जीडीआर की। दूसरी बात, इट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो जीडीआर है वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जिसको आप लोग इजिली बाय और सेल कर सकते हो, जिसको आप लोग इजिली ट्रांसफर कर सकते हो, नेगोशिएबल, ठीक है। नेगोशिएशंस क्या होती है? डीलिंग करना, तो आप इजिली कर सकते हो। पहला फीचर क्या था? कि जीडीआर जो है वो रजिस्टर्ड भी होते हैं और जिनको स्टॉक एक्सचेंज में डील किया जा सकता है, पर अमेरिका के अलावा किसी और कंट्री में। ये ट्रांसफर इजिली हो सकते हैं, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा और कहा, क्या कहा इन्होंने? अ होल्डर ऑफ जीडीआर कैन कन्वर्ट इट इनटू द शेयर्स। अब जो जीडीआर है, जो आप लोगों ने, मान लो आपने शेयर्स दिए बैंक को, डिपॉजिटरी बैंक को, बैंक ने उसके बदले में आपको जीडीआर रिसिप्ट इशू करके दे दी। अगर आप किसी टाइम पे भी दोबारा से उनको शेयर्स में कन्वर्ट कराना चाहते हो, आप करा सकते हो, ठीक है। अ होल्डर ऑफ जीडीआर कैन कन्वर्ट इट इनटू द शेयर्स। आगे क्या लिखा है? होल्डर ऑफ जीडीआर गेट्स डिविडेंड। शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है? डिविडेंड। तो इसके ऊपर भी आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। नेक्स्ट वन बात करी है, होल्डर ऑफ जीडीआर डज नॉट हैव वोटिंग राइट बट यस। अगर आपको वोटिंग राइट चाहिए तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर डायरेक्टली इस तरीके से डीलिंग करनी पड़ेगी। जीडीआर के थ्रू आपके पास वोटिंग राइट नहीं है। अब क्यों?
अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये शेयर्स हैं या शेयर्स के ऊपर डिविडेंड भी मिलेगा, तो फिर वोटिंग राइट क्यों नहीं है? इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, ये क्या लिखा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर जीडीआर नेगोशिएबल है, कल को मान लो शेयर्स आपको बेचे गए, सपोज लेट सपोज राम श्याम जिसका भी नाम था, राम श्याम को बेचे गए, मैंने बोला कि आपके पास वोटिंग राइट है क्योंकि मुझे लगता है कि आप रिलायबल पर्सन हो। कल को उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, उसने आगे किसी को ट्रांसफर कर दिए, वो पर्सन अच्छा नहीं था, तो फिर ऐसे थोड़ी ना हर किसी को वोटिंग राइट दे देंगे जिसके पास भी शेयर्स चले गए, नहीं। इसलिए लिखा है जीडीआर के पास वोटिंग राइट नहीं है क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मैनी इंडियन कंपनी सच एज रिलायंस, विप्रो, आईसीआईसीआई हैव इशू जीडीआर, इशूड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितनी भी आपकी कंपनीज हैं इन्होंने इशू किए हुए हैं, सो ये आपका एक हो गया, मतलब जीडीआर की बात हुई। एडीआर क्या है? अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड बाय अ कंपनी इन यूएसए, कहां पे उन्होंने ये लिखा, ग्लोबली या किसी भी कंट्री में क्या लिखा है, इन यूएसए इज नोन एज एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फीचर क्या है इसके? सिर्फ किनको इश्यू हो सकते हैं? अमेरिकन सिटीजन्स को। ये भी लिस्टेड है पर ट्रेड किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो पाएंगे, सिर्फ कहां पे एक्सचेंज होएंगे, या इन्होंने लिखा है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में। बाकी कंपनीज की जिन्होंने बात करी है, कहते इन कंपनीज ने एडीआर भी इशू किए हैं, इन कंपनीज ने जीडीआर भी इशू किए हैं। सो ये हमारा हो गया अभी